नो करे हो कि नहीं करे हो? क्या बात भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? बोलते क्यों नहीं सर तुम? चलो देखते हैं। अब जैसे मान लो ये एंड बनता है ए और ये एंड बनता है बी, ठीक है? इन दो पॉइंट्स के क्रॉस बात हो रही है, ठीक है बेटा? ये हो गया ए और ये हो गया बी। देखो ए और बी के क्रॉस, मान लो इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है, सही है? चलता जा रहा है ये ग्रिड, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है? ऐसे कोई भी दो पॉइंट के क्रॉस लेना था, कैमरा ऑन करो यार। एक तो क्या बात है यार, रोज रोज बोलना पड़ेगा। जल्दी ऑन करो, फास्ट फास्ट फास्ट। तो ऊपर भी इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट, दाएं भी इनफाइनाइट, बाएं भी इनफाइनाइट। अरे बोलो, सही है? तो ए और बी, सर अब सुनो मेरी बात, मान लो ए और बी के क्रॉस आंसर कितना होता है? एक्स। इक्वेट क्वेश्चंस कितना होता है आंसर? एक्स। अरे बोलो। तो अगर ध्यान से देखा जाए, मैं इस यूनिट को बाहर निकालूं, अगर मैं इस यूनिट को निकाल दूंगा, ये यूनिट ध्यान से देखो, ये वाली यूनिट, अगर इसमें इसके क्रॉस आंसर ए और बी के क्रॉस कितना आता है? देख काम करो, इसको कैपेसिटर से बना लो। मान लो इस यूनिट को बाहर निकाला जाए, यूनिट ऐसे ही तो है। बोलो। अरे कैपेसिटेंस तो सारे ही हैं, मैंने बताया था। यस तो मान लो इसके क्रॉस आंसर कितना आता है? एक्स। बेटा ये वाली यूनिट, ये दिख रही है आपको एक यूनिट? अरे बोलो, ये यूनिट बाहर निकाल ली। सर ए और बी के क्रॉस का आंसर एक्स है, तो इसके पीछे भी तो आंसर एक्स ही होगा, क्योंकि इधर भी इनफाइनाइट वैसी है जैसे नीचे इनफाइनाइट है, सर ऐसे ही ऊपर भी इनफाइनाइट है, तो इसके अक्रॉस भी तो पीछे एक्स ही होगा सारा, क्योंकि ऊपर भी इनफाइनाइट है। अरे बोलो। यस और अगर इधर भी इनफाइनाइट है, तो इसके पीछे भी तो इक्वल एक्स ही आ रहा होगा, सर कोई दिक्कत? नो सर और इस सी के इक्वल तो एक्स आ ही रहा है, बोलो सही है? यस यहां तक कोई दिक्कत? नो अच्छा, सर ये सी और एक्स किसमें हो गए? पैरेलल पैरेलल में दोनों ऐड हो जाएंगे सर सी सी प्लस एक्स, ये भी सी प्लस एक्स, ये सारे तीनों सी प्लस एक्स किसमें हो गए? एक्स सीरीज अरे ये तीनों सी प्लस एक्स किसमें हो गए? सीरीज पैरेलल सीरीज में सर में हो गए ना, ये देखो ना, ढंग से समझो। ये हो गया सी ए बी, ये हो गया सी प्लस एक्स, ये भी सी प्लस एक्स, और ये भी सी, अब ये भी सी प्लस एक्स बन गया, ये भी सी प्लस एक्स बन गया, ये भी सी प्लस एक्स बन गया। अरे बोलो, तो ये वाले ऊपर वाले तीनों किसमें हैं? ऊपर वाले तीनों सीरीज में है, सीरीज सीरीज अगर ऊपर वाले तीनों, अगर सीरीज है, तो सी प्लस एक्स यानी 1/C+X, 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 यानी अगर ऐसी फोकल कर दूंगा तो सी प्लस एक्स बाय थ्री। अरे बोलो, यस सर ये सी प्लस एक्स बाय थ्री के साथ ये सी किसमें है, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में इन तीनों को पैरेलल में डायगोनल सर यानी डायरेक्ट ऐड, और इसका आंसर किसका बराबर आएगा? एक्स के बराबर। सी अरे बोलो, यस सर कैल्शियम लो, कितना आ गया? ये आ गया सी प्लस एक्स प्लस 3C इज इक्वल टू थ्री इज एक्स इक्वल टू टू एक्स बोलो, तो यस फोर सर सी इक्वल टू 2X, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2C, यानी आंसर आ गया 2C। अरे बोलो, यानी ए और बी के क्रॉस यस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई? 2C। सर बोलो, समझ में आया? इसको बोलते हैं इनफाइनाइट ग्रिड नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको? इनफाइनाइट ग्रिड नेटवर्क ठीक है, दिस इज फॉर प्योरली मेंस एंड एडवांस, ठीक है ना?
इनफाइनाइट ग्रिड नेटवर्क, ये सारे इक्विवेलेंट में आपको सारे कॉम्पिटिटिव करा रहा हूँ, ठीक है, ये सारे इक्विवेलेंट में आपको कॉम्पिटिटिव करा रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट कॉम्पिटिशन में नेटवर्क देख के दिक्कत ना आए, ठीक है। ए बी के बीच में एक्स कैसे आया है? वो तो निकालना है ना, उसको एक्स मानना है भाई, आया कहीं से नहीं है, वो उसको मानना है। अच्छा, ए और बी के क्रॉस आंसर एक्स आएगा, ये बोला है मैंने। यार देखो ना, अगर इस एज के क्रॉस एक्स आता है तो इस एज के क्रॉस भी तो एक्स ही आएगा, क्योंकि इधर भी इनफाइनाइट है, ऊपर वाले एज के क्रॉस भी तो एक्स ही आएगा, अगर इसके क्रॉस देखो तो उसके क्रॉस भी तो एक्स ही आएगा। अरे बोलो, क्योंकि इनफाइनाइट है ना चारों तरफ से। यस सर, तो वही मैंने किया, देखो सर्किट बनाया आपके सामने, ये सर्किट यही तो बता रहा है। नीचे क्यों नहीं सर्किट बनाया है? नीचे बनाया तो है, और भी क्रॉस एक्स है। ओके, वही तो लिखा यार, कमाल कर रहे हो, ये तो लिखा है, ये ए और बी क्रॉस एक्स आंसर आएगा, यही तो कराया मैंने, तभी तो इसके क्रॉस एक्स माना है, इसके क्रॉस एक्स और इसके क्रॉस एक्स। बोलो। ओके सर, सर कॉमन सेंस है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नोट कर लो इसको फटाफट से, एक सेकंड। बोलो, समझ में आया इनफाइनाइट ग्रिड नेटवर्क? अच्छा, और दिखाता हूँ इनफाइनाइट का एक केस, और दिखाता हूँ इसको, सर पढ़ा रहे हैं, हटाओ इसको, बोलो हटाओ, इसके लिए पढ़ा रहे हैं सर, नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यार सर अरे हटाओ इसको भाई, किसी घर से सर, कैमरा म्यूट करो, क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है, म्यूट ऑफ इसलिए कर रखा है ताकि आप लोग अच्छे से मुझसे बात कर सके, कुछ पूछ सके, अपना यस और नो में आंसर कर सके, और क्लास को एकदम लाइव क्लास की तरह ले, ठीक है। अगर किसी के पीछे घर से आवाज आ, पहली बात तो आनी नहीं चाहिए, ऐसी एकांत जगह बैठ के पढ़ाई होती है, और अगर आ भी रही है तो उसी समय म्यूट ऑफ ऑन करो अपना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बोलो, समझ आई मेरी बात? मैंने क्या कहा? यस सर, यस सर, यस सर, नहीं आई ना समझ में, पीछे से आवाज आ रही है किसी इधर से बर्तनों में। चलो अब मान लो ऐसा सर्किट है, मान लो ये अब इस पार से देखते हैं कौन है। चलो ये मैं रेजिस्टेंस नहीं कराऊंगा, छोड़ो, नहीं मैं रेजिस्टेंस नहीं करा, व्हीटस्टोन करा दिया, लैडर करा दिया है ना, अब कर लो एंटीसिमेट्री, एंटीसिमेट्री भी कर लो, एंटीसिमेट्री तुम्हारे काम आएगा, ठीक सा बना लेते हैं। अब सुनो, मान लो ये C1 है, ये C2 है, अगर ये भी C1 C2 होता तो बीच वाला खराब हो जाता। बोलो यस सर, अरे सिखाया ये तो,
यस सर आवाज नहीं आ रही थोड़ा तेज यस सर लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहा मैं थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ इसको बोल रहा हूँ C2 इसको बोल रहा हूँ C1 और बीच वाला बोल रहा हूँ C0 अब क्या होगा क्या अब भी बीच वाला कैंसिल होगा नो सर हेलो क्या अभी बीच वाला कैंसिल होगा नो सर अभी होगा सर रेफ्रिजरेशन नहीं आएगी हैं क्या कैंसिल नहीं होगा हाँ अब कैपेसिटेंस कितना आएगा ये मेथड होता है एंटी सिमेट्री क्या होता है एंटी सिमेट्री अब ए और बी अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा तो कैसे करते हैं सुनो मेरी बात मान लो यहाँ से क्यू चार्ज गया ठीक है ढंग से देखो तो ऊपर कितना गया क्यू वन और इधर कितना गया क्यू टू अरे बोलो सही है बोलो यस सर हाँ यस सर यस सर यस सर अच्छा अब मेरी बात सुनो अब क्या करते हैं थोड़ा समझते हैं बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको डिटेल में थोड़ा आराम से समझना सहजता के साथ बात को सुनो सहजता के साथ मन में बैटरी ऑपोजिट लगाते हैं बैटरी की पोलैरिटी बदलते हैं मन के अंदर मन में क्या करते हैं बैटरी ऑपोजिट लगाते हैं थोड़ा बहुत तेज बोलो बेनूर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मेरे तक यहाँ तो माइक में बैटरी की पोलैरिटी बदलते हैं बैटरी ऑपोजिट लगाते हैं ना अगर बैटरी ऑपोजिट लगाते हैं तो मुझे बताओ ये अगर ये बैटरी ऐसे लग जाए तो Q1 इसमें जाएगा या इसमें जाएगा Q1 किस में जाएगा उल्टा हो जाएगा सर नीचे वाले दोबारा सुनो दोबारा जल्दबाजी कोई नहीं आराम से सुनो सहजता से समझने की जरूरत है ठीक है ना यही ट्रिक आगे एक और मेथड पढ़ाऊंगा उसमें लगेगी सहजता से समझो कि मैंने बोला यहाँ से बैटरी लगाई है यहाँ क्यू चार्ज है फिर अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ Q1 Q2 में C1 सामने आया इधर से C2 सामने आया तो C2 मैंने Q2 भेज दिया और C1 ने मैंने कितना भेज दिया Q1 भेज ठीक है मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये बैटरी उल्टी लगती तो इधर से क्यों आता Q1 कहाँ जाता नीचे जाता या ऊपर जाता ऊपर ही जाता पर माइनस ऊपर ही जाता सर माइनस Q1 नीचे जाएगा सर नीचे Q1 ऊपर ही जाएगा सर अजीब बात करते हो नीचे इतनी सिंपल सी बात है अगर ये Q यहाँ से निकलता है इसमें क्या है सर इधर से बना लो बताना क्या बड़ी बात है लग नहीं चला रहे बिल्कुल भी आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसे फिर कंपटीशन बढ़ाने का क्या फायदा अगर आप अपना दिमाग चलाओगे तो अगर आप अपना दिमाग नहीं चलाएगा सर ये सबको सोचना पड़ेगा इतना तो मुझे ये बताओ यहाँ से क्यों निकला यहाँ से भी सिंपल उसी तरीके से क्यों निकला अरे बोलो yes, ज्यादा सर्किट यहाँ है यहाँ C1 ऊपर है C2 नीचे है बाकी इधर जैसा लगा हुआ है C1 C2 के इस तरफ जैसा है वैसे जैसे इधर उल्टा C2 C1 से इस तरफ है अरे बोलो yes, sir. Yes, sir. तो क्यों निकला तो Q1 इधर ही तो जाएगा और Q2 इधर ही तो जाएगा देखना अगर ऐसा है और इसको उल्टा कर दिया जाए तो यही चीज तो होगी इसमें दिक्कत क्या है मुझे ये समझाओ ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है एकदम अबे नूर ध्यान दो बोर्ड पे कहाँ है ध्यान यहीं पे है सर यहीं पर है सोचो तो क्यू से Q1 Q2 में चार गया तो सिमिलर उसी तरीके से Q1 Q2 उधर आया इस बात में पहले ये बात समझ में आती है ये बताओ यस सर बोलो इसमें तो कोई यस सर
अगर मैं इसको Q1 Q2 मान लूं तो Q1 Q2 अब इस तरीके से तो जाएगा बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब मेरी बात समझो ढंग से, अब मेरी बात और समझो। अब क्या करते हैं, ये तो हमने मन में लगाया है ना, ऐसा एक्चुअली में कुछ है नहीं। एक्चुअली में क्वेश्चन तो मेरा यही है ना। अरे बोलो, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है या ये है? पहले वाला फर्स्ट वन है ना मेरा एक्चुअली में। यस सर। अब समझो, ये लगाने से मुझे बेनिफिट क्या हुआ और मैं इससे क्या निकालता हूँ, इस बात से मैं क्या निकालता हूँ, कंक्लूजन क्या निकालता हूँ कि Q1 का पाथ ऐसा होगा, ऐसा और ऐसा। और Q2 का पाथ ऐसा, ऐसा और ऐसा। जैसा चार्ज यहां से निकल रहा है वैसा ही चार्ज अगर उल्टी बैटरी लगाए तो एंटर करता है। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। अरे यहां से कैसा चार्ज निकल रहा है? यहां से उल्टी बैटरी लगाए Q1 Q2 आ रहा है ना। यस सर। उल्टी बैटरी लगा के नीचे क्या आता है? Q1 आता है ना। यस सर। अरे बोलो, तो सीधी बैटरी में भी Q1 ही निकलेगा। यस सर। आपसे ये बात समझ में आती है? अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो मुझे बेसिकली Q1 का पाथ मिल गया। Q1 का पाथ ही है, मैं लाइन से बना रहा हूँ, देखो Q1 का पाथ बना रहा हूँ। ये Q1 का पाथ, ये बात है क्यों दिख रहा है? केवल ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे। अरे बोलो। यस सर। Q2 का पाथ भी दिख रहा है ऐसे 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 ऐसे। बोलो सही है, Q2 का पाथ भी तो ऐसे ही है। यस सर। तो अब कुल मिला के इस कंप्यूटर में कितना चार्ज आया? Q1 इस पे माइनस Q1 इस पे कितना आया? Q2 इस पे कितना आया? माइनस Q2 इस पे कितना आया? Q2 इस पे कितना आया? माइनस Q2 इस पे कितना आया? Q1 इस पे कितना आया? माइनस Q1। और इस पे कितना आया? ऊपर आ गया Q1 और नीचे आ गया Q2, तो उसका अपोजिट नीचे आ गया माइनस Q1 और इसका अपोजिट ऊपर चला गया माइनस Q2। बोलो समझ में आया? यस सर। अरे बोलो। यस सर। यस सर। भाई ऊपर वाली प्लेट पे Q1 आया ना और नीचे, यस सर, ये वाला पाथ ऐसा ही तो है, इसका पाथ भी तो ऐसा है। अरे बोलो। Yes, sir. तो Q2 आया, तो Q2 इस प्लेट पे आया ना, तो उसका अपोजिट ऊपर आ गया और Q1 का अपोजिट नीचे आ गया। अरे बोलो। Yes, sir. सही है? सही है? Yes, sir. Yes, sir. हम्म? Yes, sir. अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ लूप लगाना है। देखो कैसे, मैं नेक्स्ट स्लाइड बना रहा हूँ। अलग से डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ये समझाने के लिए बताया था मैंने सारा कुछ, ठीक है? Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, Q2 माइनस Q1, Q2 minus Q2, Q1 minus Q1, अरे बोलो। Yes sir। यही तो है? अरे यही तो है। Yes sir। तो एक लूप तो ये बना लो अपनी मर्जी से, एक लूप तो ये बना लो। देखो मैं लूप बना रहा हूँ, ये 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 बार बार से ये, ये। एक लूप तो ये बन गया। अरे बड़े वाला लूप दिख रहा है आपको एक? यस सर। तो इस लूप में चलते हैं। बोलो, यहाँ से चलो।
तो कितना आया, ये C1 है, C2 है, ये C0 है, ये C3 है, कितना आया Q1 by, कितना आया Q1 by C1, लूप लगा रहा हूँ, KVL किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ लूप लो, किरचॉफ वोल्टेज लो या किरचॉफ लूप लो, Q1 by C1 आया, फिर क्या आया प्लस Q2 by C2, फिर क्या आया माइनस V बराबर जीरो आया। अरे बोलो। यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। नो सर। अच्छा, अब इसमें लो एक लूप में घूम जाओ, एक लूप इसको बना लो, इसको बना लो एक लूप, ऐसे येलो मार्कर से दिखा रहा हूँ, एक लूप इसको बना लो, ये ऐसे 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 दिख रहा है ये लूप। अरे बोलो, पीले वाला। यस सर। तो इसको भी बना सकते हो, मना नहीं कर रहा मैं, तो इसको बनाते तो घूमो Q1 by C1 प्लस ऊपर वाली प्लेट कितनी है Q1 minus Q2 by C0 not minus Q2 by C2, तो बराबर। बोलो, समझ में आई दोनों इक्वेशन? यस सर। तो यहाँ से क्या आया, Q1 आ गया कौन है बेटा, कौन बोल रहा है यार, हद कर रहे हो, मैंने बोला अभी अभी, आपको समझ नहीं आ रही बात की, फिर मैं म्यूट करूंगा, सब तक का नुकसान होगा, मैं म्यूट करूंगा, सबका नुकसान होगा फिर। तो मैंने बोला नहीं बोलना तो नहीं बोलना ना, ये कैमरे कैसे बंद कर रखे हैं सबने, कैमरे कैसे बंद है विवेकानंद, कैमरा कैसे बंद है तुम्हारा, लव मलिक, अजय, देव, कुशल, अंकुश, सौरभ, विशाल, सुमित, कैमरा कैसे बंद है तुम्हारे, हैं? रुद्राक्ष, कैमरा कैसे बंद है तुम्हारा, मौसम, ये आएगा, और जाके क्या हो जाएगा Q2 Q2 1 by C2 plus 1 by C0। अरे बोलो सही है, तो कितना आ जाएगा Q1 C1 plus C0 C1 C0 C2 plus C0 और C2 C0, सही है, C0 C0 कट गया, तो Q1 Q2 में रिलेशन आ गया, बोलो सही है। अब डाल दो यहाँ पे Q1 by C1 plus Q2, कितना है Q2 हो जाएगा Q1 C1 plus C0 upon C2 plus C0 C2 plus C0 Q1 है ना, Q2 sorry, Q2 देगा Q1 C1 plus C0 upon C2 plus C0 C2 by C1, तो C2 पर आएगा, C2 से कट जाएगा, नीचे C1 बचेगा, is equal to V। अरे बोलो सही है, तो Q1 common लो और solve करो, कितना आ गया Q1 common लो और solve करो, कितना आ गया, ये आ गया Q1 common ले लो,
C1 by C1 common ले लो एक्चुअली इधर आ गया C2 plus C0 ये कितना आ गया C1 plus C2 plus 2 C0 भी आ गया अरे बोलो C2 plus C0 इधर आ गया C1 plus C0 है yes sir C1 plus C2 plus 2 C0 ये तो आया अब Q1 कितना आ गया Q1 आ गया C1 भी into C2 plus C0 upon C1 plus C2 plus 2 C0 ये तो आ गया Q1 ऐसे Q2 कितना आ जाएगा Q2 आ जाएगा Q2 आ जाएगा Q1 C1 plus C0 upon C1 सबसे पहली बात तो अब सुनो ये Q1 times क्या आ जाएगा Q1 times C1 हो गया ये लिख दो एक बार C1 भी लिख लेता हूँ एक बार है ना ताकि समझ में आए C2 plus C0 अपॉन थोड़ा इसको इधर लिख लेते हैं ज्यादा नहीं बचेगी नहीं तो Q2 लिख लेते हैं C1 भी C2 plus upon C1 plus C2 plus 2 C0 into अब सुनो Q1 तो आ गया C2 by C1 आएगा एक C2 by C1 आएगा एक और एक आएगा C1 plus C0 upon C2 plus C0 C1 plus C0 upon C2 plus C0 आप समझो C2 plus C0 से C2 plus C0 गया C1 से C1 गया तो Q2 की वैल्यू एट द लास्ट आ गई C2 भी C1 plus C0 upon C1 plus C2 plus 2 C0 और आगे Q1 Q2 की वैल्यू ये आगे Q1 की वैल्यू ये आगे Q2 की वैल्यू अरे बोलो अब Q1 plus Q2 Q की वैल्यू कितनी आ गई Q1 plus Q2 आ गई कितनी आ गई इन दोनों को ऐड करना होगा कैल्शियम तो सेम ही आएगा अरे बोलो कैल्शियम तो सेम ही आएगा भाई ऐड करोगे कितना आएगा ऊपर से भी बोलो अलग अलग लिखना होगा लिखो इधर तो आएगा C1 plus C2 plus 2 C0 है ना और साथ में बाद में V भी आएगा V भी लिखना V तो कॉमन ही आएगा ना इसको C1 C2 इधर भी C1 C2 तो सबसे पहले तो 2 टाइम्स C1 C2 हो गया प्लस C2 C0 और C1 C0 यानी कॉमन C1 plus C2 भी हो गया अरे बोलो सही है सही तो हुआ अरे बोलो ये C1 C2 हुआ इधर भी C1 C2 हुआ तो 2 हो गया C1 C0 C2 C0 यही तो आया कि नहीं आया तो क्यों आ गया हमारे पास क्या आ गया क्यों अब ध्यान से समझो नेक्स्ट स्लाइड में समझो क्यों कौन सा चार्ज है जो बैटरी से निकला यस सर और ये सी इक्विवेलेंट है अरे yes, बोलो sir. सोच के yes, देखो ना ये देखो बैटरी से तो निकला क्यों और ये ऊपर सारा सी इक्विवेलेंट ही तो है अरे बोलो यस yes, सर बोलो कोई दिक्कत है ये क्यू इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू वी तो लिखूंगा यस सर तो क्या होगा इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू वी अभी मैं क्यों लिख चुका हूं वी टाइम्स 2 टाइम्स C1 C2 प्लस C0
C1 plus C2 upon C1 plus C2 plus 2 C0. C1 plus C2 plus 2 C0. देखो ध्यान से, यहां से V V कट गया तो C equivalent आ गया, कितना आ गया C equivalent आ गया। याद रखना इस फॉर्मूले को, कंपटीशन में डायरेक्टिव हो सकता है C0 C1 plus C2 एंटीसिमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है, अपॉन C1 plus C2 प्लस 2 C0। बोलो समझ में आया? यस, ये बनेगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो सर्किट था ना उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये बनेगा। बोलो समझ में आया? यस सर। हाँ क्लियर है? बोलो। यस सर। चलो तो एक काम करो, मैं पीछे कर रहा हूँ आपको, इसको नोट कर लो, ये लो, यहीं से है ना एंटी सिमेट्री, यहीं से ही है, जल्दी नोट करो, फिर आज सिमेट्री भी खत्म कर लेंगे। आज सिमेट्री भी कर लेंगे, फिर जल्दी करो, फिर कल कर लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कल खत्म हो जाएगा, फिर कल कर लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पैरेलल प्लेट दोनों कर लेंगे, ठीक है ना। ये भी वो भी बचे हैं इंसर्शन वाले भी, अभी लाएंगे दो, कल और परसों, दो दिन लाएंगे इक्विवेलेंट होने में, इक्विवेलेंट खत्म कराने में भी दो दिन और लाएंगे आज का दिन के बाद, ठीक है, फिर इक्विवेलेंट, लेकिन करंट का भी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। करंट में भी सेम आता है, R1 R2 R0 R2 R1, जैसे यहाँ चार्ज गया वहां करंट जाता है, सेम यही ट्रिक लगती है, सब कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। वहां भी ऐसी लूप बनाना पड़ेगा, वहां भी लूप लिखोगे तो, अब यहाँ क्यूब ऐसे लिखा है तो वहां IR1 लिखोगे, समझे, सेम तरीका होता है सारा। नोट कर लिया इसको? एक मिनट। चलो आगे देखते, हैंडल ऑफ सिमेट्री मेथड, सिमेट्री मेथड ये सारे कैपेसिटर्स कितने हैं? अरे बोलो, कोई दिक्कत? हाँ, अब मान लो मुझे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, मुझे क्या बताना है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो जिसके क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं उसके क्रॉस बैटरी लगाते हैं मन में। बोलो, अरे बोलो, सही है? यस, ऑन योर कैमराज। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? हमें और भी क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, सही है? बोलो सही है, सर? नो, यस सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब समझो, मान लो यहां से क्यू चार्ज गया, सोच समझ के बता लो, तो यहां से क्यू गया तो जैसा सर्किट ऊपर है, ऊपर अगर क्यू बन गया तो नीचे भी क्यू बन गया, ये समझ में आता है? और बीच में yes, कुछ या बीच में लग जाएगा। बोलो समझ में आता है इतना या नहीं आता? आता है। yes, बोलो। आता सर। आता है? Yes, नहीं आता? आ गया। आता है? नो सर। नहीं आया? आ गया सर, आ गया। अब अगर बैटरी अपोजिट लगाता, अगर बैटरी अपोजिट लगाता तो सोच के बताओ ये क्यों आता है ऐसे, ऊपर कितना जाता Q1, इधर कितना जाता Q1, बीच में कितना जाता Q2। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो, ये तो सिखाया, अगर बैटरी उल्टी लगाता तो ऐसे ही होता।
पहुंच गए तक खारा कदम तक गोर और पानी होकर गोर जाए बोलो यस सर अभी गाड़ी का बैटरी उसे लगाता तो ऐसे तो करता एक काम करो बोलो यस सर इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि Q2 सीधा जा रहा है अरे भाई इसका मतलब यही तो है yes, कि Q2 इधर गया तो इधर से ही निकलेगा यस सर यस सर बोलो इसका मतलब यही तो है यस सर इसका मतलब जब Q2 यहां पहुंचता है तो Q2 डिवाइड नहीं होता यहां पर अरे सीधा निकल जाता ना यहां डिवाइड होता है क्या Q2 यस सर क्या Q2 इस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है नो सर नो 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 सर नो सर दिस पॉइंट इसको लिखेंगे दिस पॉइंट विल नॉट बिहेव एज नोड विल नॉट बिहेव एज नोड नोड मतलब जहां करंट का डिवीजन हो या एंट्री हो अरे बोलो तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा ऐसा बन जाएगा ये नोड नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है नोड हटा दो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा ध्यान से देखो गड़बड़ नहीं करनी तो ये कट आपको समझ में आई है बात या नहीं आई यस सर बोलो ये बात समझ में आती है नहीं आती है यस सर ये ऐसे क्यों बन गया ऐसे बताओ क्यों बन गया क्योंकि ये वाला पॉइंट नोड की तरह बिहेव नहीं कर रहा क्यों नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा क्यों डिवाइड नहीं हो रहा मैंने उल्टी बैटरी ला के देखी तो क्यू टू इधर से आ रहा है क्यू टू इधर से आ रहा है इसका मतलब क्यू टू ही सीधा जा रहा है अरे बोलो सर सर पक्का अब इसको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है भाई ये दोनों किसमें अच्छा ये दोनों बताओ किसमें सीरीज सीरीज में सी और सी सीरीज में सी बाय टू होता है यस सर सी बाय टू के साथ सी पैरेलल में सी बाय टू अरे बोलो यस सर अब ऊपर वाला देखो अब ये तीनों अब ये बन गया ऐसे ऐसे मैं थोड़ा बना देता हूँ ऐसे और ऐसे ऐसे ढंग से देखो ना अब ध्यान से देखो ये सी है तो ये थ्री सी बाय टू नहीं बन गया ये सी 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 नीचे वाला भी थ्री सी बाय टू बन गया सी बोलो yes, sir. बोलो कोई दिक्कत नो सर अब ये तीनों किसमें है सीरीज ये दोनों किसमें है सीरीज में सर ये दोनों किसमें सीरीज सीरीज सब किसमें है पैरेलल पैरेलल अब क्या करोगे सबका सीरीज है पैरेलल अब क्या करोगे अब 1/c + 1/c + 2/3c ऊपर वाले तीनों सीरीज में है ना इसको c1 बोल देते हैं कितना आ गया थ्री सी आ गया तीन तीन छह और दो आठ थ्री सी बाय एट आ गया ये अरे ऊपर वाला हिस्सा थ्री सी बाय एट आ गया यस सर अच्छा ये हिस्सा आ गया थ्री सी बाय एट तो ये हिस्सा भी कितना आएगा थ्री सी बाय एट और ये हिस्सा कितना आएगा सी बाय टू अरे सी और सी सीरीज में यस सर यस नहीं आएगा क्या आ गया सर अब ये तीनों किसमें है parallel parallel 3/8 और 3/8 हो गया 3/4 मैं फिर भी लिख देता हूं ताकि किसी को दिक्कत ना आए ये c equivalent आएगा 3/4 8 लिखो इसको 5/6 4 10 10 10 10 आगे आ जाएगा 5/4 अरे बोलो यस सर आई बात समझ में नहीं आई आगी सर बोलो समझ में आया यस सर ट्रिक क्या थी दोनों तरफ से चार्ज ले जाके देखे सर दोनों तरफ से चार्ज भेज के देखे सर वो नोड की तरह काम नहीं कर रहा है या नहीं
सेंटर वाला पॉइंट है या नहीं? नहीं रेखा नहीं बन रहा। अरे बोलो। यस सर। यस सर। सेपरेट कर दिया। नोट करो इसको सर। सिमेट्री मेथड में यस सर, सिमेट्री टाइप क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। दिखाऊंगा बेटा भी और क्वेश्चन दिखाऊंगा कल, तीन दो तीन क्वेश्चन और कराऊंगा कल, चिंता क्यों कर रहे। कल दो तीन क्वेश्चन इसके ऊपर और कराऊंगा सिमेट्री के ऊपर, फिर आगे पढ़ाऊंगा, चिंता ना कर, ऐसे भगाऊंगा नहीं, अच्छे से कराऊंगा, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी इक्वलेट की, ठीक है ना? जब तुम कहोगे ना हाँ सर अब तसल्ली हो गई, बहुत हार्ड वैरायटी का सवाल करा दिया आपने, तब तब छोड़ूंगा, ठीक है ना? चिंता ना करो। ठीक है सर। मेंस छोड़ो, आईआईटी में भी गलत नहीं होगा तुम्हारा कभी इस टॉपिक के ऊपर सवाल, ठीक है? और मेंस में तो कोई उम्मीद ही नहीं है गलत होने की, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, नोट करो, नोट करो, बस आज इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आप दो तीन मिनट अब नोट करने में लगा दोगे, और 56 हो गई है, 59 तो हो ही जाएगी, ठीक है ना? नोट भी कर लोगे, जल्दी नोट कर लो दो तीन मिनट तक, फिर उसके बाद नहीं हो पाए तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं एंड करूंगा क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास होती है, ठीक है?